11 भारत के उद्योग। एक, लोहो इस्पात उद्योग। देश में पहला लोहो इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में नामक स्थान पर बराकर लोहो कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लोहो इस्पात कारखाना। एक, भारतीय लोहो इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। दो, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड VISCL है। तीन, स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी बनपुर पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लोहो इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लोहो इस्पात कारखाना। एक, दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 ईस्वी में स्थापित कारखाना। एक, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला, अब छत्तीसगढ़ राज्य में, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। दो, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। तीन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। पृष्ठ 167। दो, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। एक, बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य, अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तीन, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। एक, सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम तमिलनाडु। दो, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तीन, विजयनगर इस्पात संयंत्र, हासपेट बेलारी जिला, कर्नाटक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। 1974 में सरकार के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना की। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी का प्रबंधन इसी के अधीन है। दो, एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में चार कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाई, पश्चिम बंगाल के वेलूर तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडालको की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर नामक स्थान पर स्थापित की गई। तीन, सूती वस्त्र उद्योग। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु ये असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई के कवासजी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीयकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बॉस्टन कहा जाता है। चार, जूट उद्योग। सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिशरा नामक स्थान में 1859 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। भारत संपूर्ण विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रिशरा, बाली, अगरपाड़ा,
बांसबेरिया, कान, किनारा, उलबेरिया, सीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर। बिहार पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। पृष्ठ 168। आज चीनी उद्योग। ये उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान राज्य में हैं। इन राज्यों के निम्न शहर चीनी उद्योग से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश देवरिया, भटनी, बड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर आदि। बिहार मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, गोपालगंज, मोतीपुर, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर, मुजफ्फरपुर आदि। महाराष्ट्र मनसद, नासिक, अहमदनगर, पूना, शोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल तेलडांगा, पलासी, हवाड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु अरकाट, मदुरई, कोटाम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश सीतापुरम, पीठापुरम, बैजवाड़ा, हासपेट, साभलकोट एवं हैदराबाद। राजस्थान गंगानगर, भोपाल सागर। 6. सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पार्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 ईस्वी की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान, जयपुर, लखेरी, मध्य प्रदेश, सतना, कटनी, जबलपुर, बनमौर, ग्वालियर, रतलाम, छत्तीसगढ़, दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, चुर्क, झारखंड, जपला, खैलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झींकपानी, उड़ीसा, राजगंगपुर, आंध्र प्रदेश, कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पनयम, कर्नाटक, भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बेंगलौर, तमिलनाडु, डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी, केरल, कोट्टायम, गुजरात, पोरबंदर, द्वारका, सीका, जामनगर, भावनगर, सेवालियम और रानायाय, पंजाब, सूरजपुर, हरियाणा, चरखी दादरी। पृष्ठ 169। 7. कागज उद्योग। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना सन 1716 ईस्वी में मद्रास के समीप ट्रंकवार नामक स्थान पर डॉ. विलियम कोर द्वारा स्थापित किया गया, जो असफल रहा। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम, टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, किनाडा, हुगली, बड़ानगर, बंगाल, शिवरापुली आदि। आंध्र प्रदेश राजमहेंद्री, सिरपुर, कागजनगर, तिरुपति आदि। उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी, इलाहाबाद आदि। झारखंड संथाल परगना, बिहार पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश नेपानगर, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना। तमिलनाडु पट्टी पलायम, सलेम, चरण महादेवी, तिरुनलवेली, उदम लपेट तथा पालनी। महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। गुजरात वापी, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावड़ाड़ा आदि। रासायनिक उर्वरक उद्योग। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपरफास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 ईस्वी में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया।
1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य झारखंड सिंदरी, बिहार बरौनी, उत्तर प्रदेश कानपुर गोरखपुर इलाहाबाद फूलपुर, उड़ीसा राउरकेला तलचर, राजस्थान खेतड़ी सलादीपुर एवं कोटा, महाराष्ट्र मुंबई ट्राम्बे अंबरनाथ तथा लोनी, पश्चिम बंगाल बर्नपुर हल्दिया रिशरा तथा खारदा, कर्नाटक मंगलौर बेलागुला तथा मुनीराबाद, तमिलनाडु नियवेली रानीपेट इन्नौर कोयम्बटूर तूतीकोरन आवाड़ी एवं मलाली, गुजरात कांडला बड़ोदरा हजीरा भावनगर, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम मोखा अली हैदराबाद तादेपल्ली तनुकु रामागुडम। पृष्ठ 170। 9 जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम द्वारा नाम दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती है, एक गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, दो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, तीन मंजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। 10 वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलौर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। अब इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलौर में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट कोरावा नासिक बैरकपुर लखनऊ हैदराबाद तथा कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न हैं। 11 मोटरगाड़ी उद्योग। मोटरगाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलौर। 12 शीशा उद्योग। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने में मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र पश्चिम बंगाल बेलगछिया सीतारामपुर रिसड़ा बर्धवान रानीगंज एवं आसनसोल, उत्तर प्रदेश नैनी इलाहाबाद रामनगर वाराणसी बहजोई मुरादाबाद बालावली बिजनौर एवं फिरोजाबाद, झारखंड कांडरा जमशेदपुर भुरकुंडा हजारीबाग धनबाद, बिहार पटना एवं कहलगांव, महाराष्ट्र मुंबई पुणे दादर सतारा शोलापुर एवं नागपुर, गुजरात बड़ौदा मौरवी, राजस्थान जयपुर। अन्य स्थान अंबाला अमृतसर हैदराबाद जबलपुर बेंगलौर एवं गुवाहाटी। 13 दवा निर्माण उद्योग। प्रमुख स्थान मुंबई दिल्ली कानपुर हरिद्वार ऋषिकेश अहमदाबाद पुणे पिंपरी पेनिसिलिन मथुरा हैदराबाद आदि। 14 अभियांत्रिकी उद्योग। प्रमुख स्थान हटिया रांची दुर्गापुर विशाखापत्तनम नैनी इलाहाबाद बेंगलौर अजमेर जादवपुर कोलकाता आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। पृष्ठ 171। 15 रेल उपकरण उद्योग। भारत रेल के इंजनों सवारी डिब्बों तथा माल ढोने वाले डिब्बों के निर्माण से पूर्णतया आत्मनिर्भर है। चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुए। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1925 में स्थापित किया गया है। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलौर तथा कलकत्ता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। 16 बिजली के सामान। भोपाल हरिद्वार रानीपुर हैदराबाद के निकट रामचंद्रपुरम
तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता। 17 टेलीफोन उद्योग बेंगलोर एवं रूप नारायणपुर कोलकाता। 18 ऊनी वस्त्र, भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ है। वर्तमान समय में ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में स्थित है। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, पंजाब, अमृतसर, धारीवाल, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, राजस्थान जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर जोधपुर, कर्नाटक बेंगलोर, मैसूर। ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। 19 रेशम उद्योग, भारत एक ऐसा देश है जहां शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी चार किस्मों का रेशम की उत्पादन होता है। भारत का 2/3 शहतूती रेशम कर्नाटक से प्राप्त होता है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू उधमपुर, अनंतनाग बारामूला, पंजाब अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर लुधियाना, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, वाराणसी शाहजहांपुर, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद, बाकुंडा, हावड़ा 24 परगना, तमिलनाडु सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, बिहार भागलपुर, गया पटना, कर्नाटक बेंगलोर मैसूर, गुजरात अहमदाबाद सूरत भावनगर पोरबंदर। पृष्ठ 172। 20 चर्म उद्योग, भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलोर है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ये जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में चर्म उद्योग के लगभग 150 कारखाने हैं।